नमस्कार बच्चों, घर से पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत मैं पवन पांडे विशेष अध्यापक आप सभी लोगों को यातायात के साधन के बारे में बताऊंगा। यातायात के साधन क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आपने सभी बच्चों ने देखा होगा या सुना होगा, पहले पुराने समय में इतना यातायात के साधन थे नहीं। लोग आने जाने के लिए पैदल जाते थे या फिर घोड़ा वगैरह किसी जानवर का प्रयोग करते थे एक स्थान पे दूसरे स्थान पर जाने के लिए, जिससे जो है समय बहुत ज्यादा लगता था और धन का भी बहुत ज्यादा खर्चा होता था। लेकिन अब नए समय में बहुत सारे आविष्कार हो गए हैं, नई नई गाड़ियां आ गई हैं, बहुत सारे साधन आ गए हैं। पहले तो सभी लोग बैलगाड़ी वगैरह का प्रयोग करते थे एक स्थान जाने के लिए, घोड़े का प्रयोग करते थे या पैदल जाते थे या कांगड़ा जो है उससे जाते थे। लेकिन अब सभी के पास साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार ये सभी हो गई है, जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कोई परेशानी नहीं होती। तो यातायात के साधन, जिन वाहनों या साधनों द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जिस भी साधन का या उपयोग करते हैं, तो उसको हम यातायात के साधन कहते हैं। जैसे हमें कहीं यहाँ से जाना हो तो हम कोई ना कोई साधन प्रयोग करेंगे। जैसे थोड़ी दूर जाना हो तो मोटरसाइकिल या कार इस सब का प्रयोग करेंगे। अगर ज्यादा दूर जाना हो, कहीं दूसरे राज्य में जाना हो, तो उसके लिए हम रेलगाड़ी, हवाई जहाज इस सब का प्रयोग करते हैं। यानी एक स्थान पे दूसरे स्थान पे जाने के लिए जिस भी साधन का प्रयोग हम करते हैं, उसे हम यातायात का साधन कहते हैं। अब जो है इन साधनों से क्या है, एक तो समय की बचत होती है, जल्दी पहुंच जाते हैं, और दूसरा जो है धन की कम खर्च होते हैं। यातायात के साधनों को तीन भागों में बांटा गया है। तो यातायात के साधन है उसे हम तीन भागों में बांटे हैं। पहला भूमिगत यातायात साधन, दूसरा जलीय यातायात साधन, तीसरा वायुमार्ग यातायात साधन। तो पहला है भूमिगत यातायात साधन। भूमिगत क्या है, जैसे भूमिगत से स्पष्ट है, जैसे भूमि पर यानी जमीन पर जो हम जाते हैं, जिस भी साधन का प्रयोग जमीन के द्वारा हम करते हैं या सड़क पे करते हैं, या जैसे रेलगाड़ी का प्रयोग करते हैं तो वो भी जमीन पर चलती है, पटरियों पर चलती है, वो जो है भूमिगत यातायात के साधन है। यह वह साधन है जिसका प्रयोग गलियों और सड़कों के रास्ते एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किया जाता है। भूमिगत यातायात साधन है जिसमें जो है हम किसी भी साधन का प्रयोग भूमिगत यानी जमीन पर करते हैं, यानी सड़क पर करते हैं। तो इसके अंतर्गत साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, बस, कार, ऑटो, रेलगाड़ी, ट्रैक्टर, और इसके अंतर्गत जो है ट्रक वगैरह, जैसे माल ढुलाई के काम आता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, खाद्य सामग्री या कोई माल हो गया दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम ट्रक का प्रयोग करते हैं। तो ये जो है ये सब भूमिगत यातायात के साधन के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा हो गया जलीय यातायात साधन। जलीय यातायात साधन से स्पष्ट, जलीय मतलब जल, पानी, यानी जिस ऐसे यातायात के बहुत से साधन होते हैं जिनका प्रयोग हम जल मार्ग से करते हैं, यानी जल के द्वारा यात्रा करते हैं, जल पे करते हैं। जैसे नौका,
नाव आप बच्चों सभी ने देखा होगा या यात्रा भी किया होगा, जैसे नदी वगैरह पार करने के लिए जलीय जहाज, क्रूज, उसमें जो है हम लोग यात्रा करते हैं। जैसे जलीय जहाज के द्वारा जो है हम समुद्र के जो है माध्यम से दूसरे देश में जाने के लिए करते हैं, जो समुद्र में चलते हैं। तीसरा आ गया वायु मार्ग यातायात साधन। वायु मार्ग मतलब वायु में, यानी आकाश में, आकाश के द्वारा हम उसमें आकाश में वो करते हैं। यह वह साधन होते हैं जिसमें व्यक्ति वायु मार्ग के रास्ते एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इसमें जो है वायु मार्ग ऊपर से हम लोग जाते हैं, उसको हम वायु मार्ग यातायात साधन कहते हैं। इसमें जो है हवाई जहाज के द्वारा हम वायु मार्ग से एक स्थान से एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। हेलीकॉप्टर हो गया, हेलीकॉप्टर के द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए करते हैं। ड्रोन हो गया, जिसमें दो आदमी बैठते हैं, उसे एक स्थान पे दूसरे स्थान पे जाने के लिए करते हैं। या मिलिट्री जो हो गया, वो भी जो है जहाज का उपयोग करते हैं एक स्थान पे दूसरे, लड़ाकू विमान हो गए बहुत सारे, तो वो जो है एक स्थान पे दूसरे स्थान पे जाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। तो इसे हम वायु मार्ग यातायात साधन कहते हैं। जिस भी साधन का प्रयोग हम हवाई मार्ग के द्वारा करते हैं, हवाई मार्ग में करते हैं, उसे हम वायु मार्ग यातायात साधन कहते हैं। तो एक बार हम दोबारा इसको रिपीट करेंगे, यातायात के साधन। जिन वाहनों या साधनों द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जिस भी साधन का प्रयोग करते हैं, उसे हम यातायात के साधन कहते हैं। यातायात के साधनों को तीन भागों में बांटा गया है। जैसे इसमें कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जिस भी साधन का हम प्रयोग करते हैं, उसे हम यातायात के साधन कहते हैं। नंबर ये जो है यातायात के साधनों को हम तीन भागों में बांटा गया है। पहला भूमिगत यातायात साधन, भूमिगत मतलब जो सड़क पे चलते हैं, यह वह साधन है जिसका प्रयोग गलियों और सड़कों के रास्ते से एक स्थान पे दूसरे स्थान पर जाने के लिए किया जाता है। यानी सड़क के माध्यम से या ट्रेन के माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जिस भी साधन का प्रयोग करते हैं, उसे हम भूमिगत यातायात साधन कहते हैं। इसमें साइकिल के द्वारा हम करते हैं एक स्थान पर दूसरे जाने के लिए, मोटरसाइकिल का प्रयोग करते हैं एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाने के लिए, स्कूटर का प्रयोग करते हैं, या बस हो गया, या कार हो गया, ऑटो हो गया, रेलगाड़ी हो गया, एक स्थान पे दूसरे स्थान पे जाने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। अब दूसरा हो गया जलीय यातायात साधन। यातायात के बहुत से साधन ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग जलीय मार्ग से यात्रा करने के लिए किया जाता है। यानी जल जो पानी होता है जिसमें, उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके अंतर जैसे नौका या जलीय जहाज, क्रूज, ये सब हम जल में प्रयोग करते हैं। इसका एक स्थान पे दूसरे स्थान पे जाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, उसको हम जलीय यातायात के साधन कहते हैं, वायु मार्ग यातायात साधन। वायु मार्ग यातायात साधन जो है यह वह साधन होते हैं जिन में व्यक्ति वायु के मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी हवाई जहाज हो गया,
या कहीं भी जाना हुआ, यूएसए जाना हुआ, अमेरिका जाना हुआ, कनाडा जाना हुआ, तो इसे हम वायुमार्ग का प्रयोग करते हैं जहाज के द्वारा, क्योंकि इससे जो है समय बहुत कम लगता है, जल्दी जो है एक स्थान पे दूसरे स्थान पे हम पहुंच जाते हैं इसके द्वारा। इसमें जैसे हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर जो है, इससे जो है माल भी ढुलाई करते हैं जो है हवाई जहाज के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे। तो ये जो है ड्रोन, जिसमें एक दो व्यक्ति जो है बैठ के जाते हैं, उसे हम कहते हैं। तो मुझे आशा होगा बच्चों, इससे आप लोगों को यातायात कितने प्रकार के होते हैं, क्या है, जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।